वेलकम बैक टू चाहास ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घूमने सोलन की ओर और अभी हम सब हो चुके हैं रेडी और ये हो गया परेशान हमारा बच्चा। हेलो हेलो कर, हेलो हेलो कर, हेलो कर माशी को, हेलो। तो डाल दिया हुआ मैंने, है ना। तो चलिए अब चलते हम गाड़ी के पास। नाच कैसे करते हैं, ये फ्लाइंग किश कैसे करते हैं, जय कैसे करते हैं, जय जय, वेरी गुड। सो हम पहुंच गए हैं सोलन। हीरो और हीरोइन दोनों चश्मे पहन के गॉगल लगा के तो हम पहुंच गए मंदिर। आश्रम को भूमि दान दात्री श्री श्रीमती देवकु देवी धर्म पत्नी श्री काकुराम जी जटोरी। हम पहुँच गए हैं सोलन के जटोरी में। यहाँ पे एक टेम्पल है जो एशिया का हाईएस्ट टेम्पल है। मैं दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही सुंदर है गाइस। जटोली मंदिर के संस्थापक ये हैं स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी। इन्होंने इस मंदिर को बनाया है। इसकी ऊंचाई देखिए, ये एशिया का सबसे हाईएस्ट मंदिर है। शिव मंदिर के सामने, ठीक सामने हमारे नंदी महाराज जी हैं। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है यार। ऐसे मंदिर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सो अंदर मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो करना वर्जित है, मना है। तो अंदर एक मूर्ति है शिव भगवान और पार्वती की। चलिए कोशिश करते हैं, देखती हूँ मैं पहले, फिर बताती हूँ आपको। पूरे मंदिर में बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे मूर्तियाँ भी लगाई हुई हैं। यहाँ पे सरस्वती माता की मूर्तियाँ और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि
शिव भगवान को टोकरी में उठाया गया है, ऊपर शिव भगवान हैं और गाय के साथ। इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं गाइस, अलग अलग तरीके से। हेलो, यही तो है, क्लियर आ रहा है। हाँ, नहीं रहा है थोड़ा पर। सो यहाँ ये कहते जलकुंड है, तो हम जा रहे हैं जलकुंड। मास्टर जी दीदी है, दीदी सिंध गुफा। तो अब हम यहाँ पे घूम चुके हैं, पूरा मंदिर काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ से, आपको डेस्टिनेशन पे पहुँच के बताते हैं, मुझे भी खुद पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हम पहुँच गए हैं शिलोनी माता मंदिर, सोलन में ही है ये भी। देखिएगा स्कैनर, अगर आपके पास कैश नहीं है तो मंदिर में भी स्कैनर लगा हुआ है। हम जा रहे हैं कहीं और, ये था कौन सा, शिलोनी माता मंदिर। सो दो मंदिर कंप्लीट हो चुके हैं, अब देखते हैं। So, अब हम पहुंच गए हैं मोहन पार्क। शुरू कर दे ब्लॉगर साहब, ऊपर नीचे सारे में कैमरा लगा दो, तो देखो क्यों क्या हो गया। सौ रुपया एक सूख गया उसका। गीले हो गए, गीले हो गए, देखो 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 देखो।
इन पार्क्स में अंदर जाना मना था, तो मैंने बाहर से ही शूट किया और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। सो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पार्क, और काफ़ी चीज़ें बनाई गई हुई थी, काफ़ी सारे जानवर बनाए हुए थे और बीच में शिव और पार्वती एक की मूर्ति जंगल में। सो इस मंदिर में अंदर जाना अलाउ नहीं था, इसको मंदिर कहें या फिर आप म्यूज़ियम कहें, कुछ भी कह सकते हैं, सेम ही है कि मंदिर कम और म्यूज़ियम मुझे ज़्यादा लगा था। ऑनेस्ट रिव्यू गाइस। ये वो है ना श्री कृष्ण का, वो है ना ये, हाँ उपदेश देते हुए। ये शिव जी है अग्निदेव फॉर्म में। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप वध, तो यहाँ अंदर वीडियो बनाना मना था और अंदर भी बहुत सुंदर है। अंदर मूर्तियाँ हैं भगवान की और ऐसे बनाया हुआ है कि मतलब महाभारत का है कि रामायण, यार भूलूंगी मैं तो। शनि देव मंदिर, दुशासन वध, और ये है मंदिर के सामने का व्यू। सो ये है इन पेड़ों के नाम। ये है साधुपुल, उतना कुछ खास नहीं है तो हम नीचे नहीं जा रहे। ऐसे ही है नदी के किनारे लगाए हुए हैं वो। बेकार हो गया इतनी गर्मी में, और हम गाड़ी से उतरे ही नहीं, हमने दूर से ही देखा, और अब हम वापस जा रहे हैं तो भूल के भी साधु भूलना है। लंच टाइम। फेमस बेसन, यहाँ देखिए, हाँ शिमला वाले सारे आते हैं यहाँ पे, है ना, वो जब भी इधर से जाते तो सारे लेते हैं। इस बच्चे को पसंद नहीं आया पर बड़ी। 1 minute traffic holding point, काफी टाइम ट्रैफिक में रहने का, हम निकल चुके हैं। तो अब जाने हम घर, आज का व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं आपको कल। नहीं गाड़ी में सो, बाय बाय। बस 3 रुपए।